हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वी रिमेट क्लासेस पर स्वागत है। हमारा टॉपिक है डायरेक्शन दिशा, और आज ये टाइप 7 के क्वेश्चन है। और आज जो क्वेश्चन है वो कौन से टाइप के क्वेश्चन है, एक के सापेक्ष दूसरे की स्थिति ज्ञात करना। ठीक है, इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं, फिर आपको इसका मतलब समझ में आ जाएगा। ठीक है, वो क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, सॉल्यूशन नंबर क्वेश्चन नंबर 1, ए और बी एक ही बिंदु से शुरुआत करते हैं। ठीक है, ए और बी एक ही बिंदु पर रख देते हैं। ठीक है, यहीं से वो दोनों शुरुआत करते हैं। ठीक है, थोड़ा नीचे कर लेते हैं बीच में। ए दक्षिण की ओर 8 किमी तक साइकिल से चलती है या चलाती है, 8 किमी तक साइकिल चलाती है दक्षिण की ओर। दक्षिण हमारा कहाँ रहता है, नीचे की ओर। देखो, ये रहता है हमारा ईस्ट, ये रहता है हमारा वेस्ट, ये रहता है हमारा नॉर्थ, और ये रहता है हमारा साउथ। ऐसे हमने बताया था ना आपको। अब उसने को बोला ए दक्षिण की ओर 8 किमी तक साइकिल चलाती है, ये क्या हमारा 8 किमी, ये हमारा ए चल रही है। ठीक है, फिर अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती है। अब आप देखो, दाहिनी ओर मुड़ना मतलब घड़ी की दिशा में मुड़ना, दाहिनी ओर का मतलब क्या होता है, घड़ी चलने की दिशा में मुड़ना। तो हमारी घड़ी चलती है ऐसे करके चलती है, तो यहाँ से दाहिनी ओर मुड़ जाती है वो, और कितना कमी चलती है, 5 किमी तक साइकिल चलाती है। दाहिनी ओर मतलब इधर की तरफ, ये आ गया इसका 5 किमी। ठीक है, ये ए चल रहा है ना, हाँ ए चल रहा है। फिर पश्चिम की तरफ नहीं, अच्छा ये ए केवल यहीं तक है, फिर बी का आ जाता है, ए का केवल यही है, ए हमारा आ गया यहाँ पे आ गया हमारा ये ए। ठीक है, ऐसे करके आया, फिर ऐसे करके आया। अब देखो बी का देखते हैं, बी क्या बोलता है, बी 3 किमी उत्तर की ओर साइकिल चलाती है, बी यहां से चलती है 3 किमी। ठीक है, ये आ गई बी 3 किमी। ठीक है, इसने बोला बी 3 किमी उत्तर की ओर साइकिल चलाती है, फिर पश्चिम की तरफ मुड़कर 5 किमी साइकिल चलाती है, यहां से मुड़ी है पश्चिम की ओर, पश्चिम इधर है। ठीक है, यहां चलाई इसने 5 किमी, 5 किमी साइकिल चलाती है तथा फिर बाएं मुड़कर, बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज, बाएं का मतलब क्या होता है, घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत, फिर बाएं मुड़कर 4 किमी साइकिल चलाती है, घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत, मतलब घड़ी की सुई जब कोई ऐसे आएगा तो उसके बाद फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, ये घड़ी की सुई रहती है हमारी, और विपरीत क्या रहती है, ऐसे आ रहा है फिर ऐसे जा रहा है फिर ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो घड़ी की सुई के विपरीत मतलब ये नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, कितनी आ गई है यहां से 4 किमी, समझ गए। अब क्या बोल रहा है, ए से बी की स्थिति क्या है, देखो ए ये है और बी हमारी ये है, यहां से यहां की दूरी कितनी है, देखो यहां से यहां 3 और यहां से यहां 8, टोटल कितनी हो गई है 11 किलोमीटर। यहां से यहां की दूरी कितनी होगी हमारी, 11 किलोमीटर, लेकिन ये आ गई यहां से 4, तो नीचे कितनी बची, 7 किलोमीटर, ये कितनी बची हमारी 7 किलोमीटर। ये कौन सी दिशा में आ जाएगी, ए से बी की स्थिति क्या है, मतलब बी ए के स्थिति क्या है, मतलब बी जो है ए से 7 किमी उत्तर की ओर है, क्या लिखेंगे हम आंसर में, इसमें बोला ए से बी की स्थिति क्या है, बी की स्थिति ज्ञात करनी है हमें यहां से, तो यहां से बी की स्थिति 7 किलोमीटर उत्तर की ओर, उत्तर ऊपर रहेगा ना। ठीक है, ये समझ में आ गया आपके में, अगर कुछ हल्का फुल्का कम आया तो एक सवाल और सॉल्व करते हैं, फिर पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर आपको बस ये देखना है, अगर वो दाई तरफ बोल रहा है तो आपको घड़ी की सुई की दिशा में चलना है, और बाई तरफ बोल रहा है तो घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत चलना है। ठीक है, दाई तरफ घड़ी की सुई की दिशा में, बाई तरफ दिशा के विपरीत। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो क्या कह रहा है, ए और बी एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं,
पहले बिंदु लिख लेते हैं हम ए, कि ए और बी दोनों यहां से शुरू करते हैं। ए पश्चिम की ओर 3 किमी तक दौड़ता है। पहले में क्या बोल रहा है, ए पश्चिम की ओर 3 किमी, 3 किमी तक दौड़ता है, फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 5 किमी तक दौड़ता है, फिर आ गया दक्षिण की ओर, यह आ जाएगा इसका 5 किमी तक दौड़ता है, फिर अपने दाईं ओर मुड़कर 7 किमी दौड़ता है। दाईं ओर मतलब घड़ी के सुई की दिशा में। देखो ये थोड़ा यहाँ आ जाएगा, इसको यहाँ बना देते। देखो ये वाला पहले वो यहाँ से क्या चला 3 किलोमीटर, फिर चला ये नीचे 5 किलोमीटर, यहाँ आ गया ये 5 किलोमीटर, यही आया था ना, ये आया था हमारा 3 किमी, यहाँ से चलना शुरू किया और ये आ गया हमारा 5 किमी। फिर उसके बाद बोला पश्चिम की ओर मुड़कर 5 किमी चलता है नीचे वाला, फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 5 किमी चल दौड़ तक दौड़ता है, यहाँ आ गए हम, फिर अपने दाई ओर मतलब घड़ी की सुई की दिशा में, इधर मुड़कर 7 किमी दौड़ता है, ये आ गया इसका 7 किमी, ये आ गया हमारा यहाँ पर, ठीक है। तीन कंडीशन दिए, पहले पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर, फिर दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर, और फिर दाई तरफ मुड़कर 7 किलोमीटर, ठीक है। दाईं तरफ अगर ये ऐसे करके चल रहा है नीचे की तरफ मुंह, तो दाएं तरफ किधर रहेगा इसका, घड़ी की सुई की दिशा में इधर। अब आ गया हमारा बी, बी क्या बोला, बी दक्षिण की ओर 1 किमी चलता है, बी चलता है यहां से चलता दक्षिण की ओर 1 किमी, ठीक है, 1 किमी आ गया। उसके बाद फिर अपने दाई ओर मतलब घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा कौन सी आएगी, ये वाली, कितना चलता है 10 किलोमीटर दौड़ता है, 10 किलोमीटर कहाँ जाएगा इसका, इसके ऊपर। देखो इसका, देखो ये 3 किलोमीटर यहाँ है, 7 किलोमीटर यहाँ है, तो 3 और 7 10 हो गया, और ये भी 10, तो ये दोनों एक दूसरे के यहाँ आ जाएंगे, ए नीचे रहेगा और बी ऊपर रहेगा। अब बोला बी ए की स्थिति से अब कहाँ पर है, ए के सापेक्ष में बी की, एक के सापेक्ष दूसरे की स्थिति ज्ञात करना, मतलब ए के सापेक्ष में बी की स्थिति ज्ञात करनी है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ए के सापेक्ष बी की स्थिति ज्ञात करनी है, तो देखो कितना आ जाएगा, ये कितना चलाते हैं 5 किलोमीटर, ये चल गया 1 किलोमीटर, तो ये दूरी कितनी बची इसकी 4 किलोमीटर बची, तो बी कहां रहेगा 4 किलोमीटर उत्तर की ओर, उत्तर की ओर, ठीक है। बी जो रहेगा वो ए से 4 किलोमीटर उत्तर की ओर रहेगा, ठीक है, यही इसका आंसर है। आशा करता हूं ये दोनों सवाल आपको मैंने बताए तो आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो तो इसमें क्या है, आपको अगर दाईं तरफ चलना है तो घड़ी की सुई की दिशा में, बाईं तरफ चलना है तो घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत, घड़ी की सुई की दिशा में मतलब क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ये चीज याद रखो। और बाकी अगर दक्षिण बोल रहा है पश्चिम बोल रहा है तो उस दिशा में आप मुड़ जाओ, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको जो बोलेगा, बोला ना बी ए की स्थिति से, मतलब हमको बी की बतानी है ए से ही, इसकी लैंग्वेज का थोड़ा ध्यान रखना, आप ए को मत बता देना बी से, हमको बी बताना है ए से, बी बताना है ए से 4 किलोमीटर उत्तर की ओर। अगर हमने बता दिया ए बी से 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर बैठेगा तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, जो चीज पूछ रहा है जो लैंग्वेज बोल रहा है उस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आज के वीडियो में हमारा बस इतना ही, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार रहे हैं और हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा शेयर करके दूसरे लोगों तक हमें पहुंचाने में हमारी मदद करें, आप ही हमको दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें तथा कमेंट करके बताएं कि फिर भी आपको हमारी वीडियो में किस चीज की कमी लग रही है, जिससे कि हम उस कमी को अपनी को दूर कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद।